नमस्कार, मैं खलील पवार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव न्यूज। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के यूपी गेट पर हजारों की संख्या में किसानों ने धरना दिया। किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर यूपी गेट पर धरना दे रहे हैं। किसान केंद्र, वही किसानों का कहना है, हम अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार से वार्ता करना चाहते हैं और सरकार द्वारा दिए गए वादों को लिखित में चाहते हैं। वहीं पूरे देश में अलग अलग किसानों का जत्था दिल्ली में प्रवेश कर केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें रोक रखा है। चाहे वह पंजाब का किसान हो, यूपी का किसान हो या हरियाणा का, राजस्थान का किसान हो, सभी किसान एकमत होकर एक साथ केंद्र सरकार से बात करना चाहते हैं। किसानों का कहना है, किसान अनाज उगाता है, पूरा देश खाता है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसानों का जत्था है यूपी गेट पर डेरा डाले हुए है, जिसमें किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली और निजी साधनों के साथ यहां पहुंचा है। उसके साथ साथ अपने खाने पीने का करीब एक महीने का राशन सामग्री भी अपने साथ लेकर आया है। मतलब साफ है कि किसान अपने मांगों को लेकर पीछे हटने वाला नहीं है। एक तरफ जहां किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हुए हैं, वहीं प्रशासन ने इनको गाजियाबाद के यूपी गेट पर रोक रखा है और उनके लिए जरूरी संभव सामग्री मुहैया करा रहे हैं। स्थिति बड़ी साफ है, किसान अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। दिल्ली लाइव न्यूज के साथ अशोक गुप्ता की रिपोर्ट, गाजीपुर।